नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका हमारे चैनल पे जिस पर आपको सही जानकारी सबसे पहले प्रोवाइड की जाती है। हम बात करने वाले हैं सीए एग्ज़ाम को लेके। देखिए 5 जुलाई से आज इसका एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हो गया है, और मतलब एग्ज़ाम से 5-7 घंटे पहले नेपाल में जिनका काठमांडू में जिनका सेंटर था उनका एग्ज़ाम है वो कैंसिल कर दिया गया था। लेकिन इंडिया वालों के लिए कोई भी नोटिस है वो जारी नहीं किया गया। और अभी क्या है कि अनुभा श्रीवास्तव ने आवाज़ उठाई है एग्ज़ाम पोस्टपोन करने को लेकर। पीएम मोदी को इन्होंने ट्वीट किया है, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ क्या बोला इन्होंने। यहाँ पे आप देख सकते हो ये ट्वीट इन्होंने 1 घंटा पहले किया है कि पीएमओ को इन्होंने मेंशन किया है और नरेंद्र मोदी को किया है कि सर, बीइंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इट्स योर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू सेव स्टूडेंट्स। यू हैव ऑल द पावर टू स्टॉप ऑल ऑफलाइन एग्जाम्स टिल स्टूडेंट आर वैक्सीनेटेड एंड सेव देम। इफ नेपाल गवर्नमेंट टेक्स सच बोल्ड डिसीजन, व्हाई कांट इंडियन गवर्नमेंट। और इन्होंने फिर यहाँ पे एक और बात बोली थी, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, कोई डाउट हो या कोई कंसेप्ट ना समझ में आए, बोर्ड हो या जेई नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो उसका सोल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दीज 3 इजी स्टेप। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें। अपने फोन नंबर से इजीली साइन अप कर लें। अपने क्वेश्चन का पिक्चर लें या उसे टाइप करके सबमिट कर लें, और फिलो आपको 60 सेकंड में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है, अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट, इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220, तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया है यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। सो गाइज, इट्स सिंपल। हैव एनी क्वेश्चन देन आस्क फिलो। इस ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर लें। ये देखिए, ये तो इतनी भीड़ यहाँ पे हो रही है कि प्लीज हैव ए लुक सर, हाउ एग्जाम आर हैपनिंग इन इंडिया। कितनी भीड़ है यहाँ पे आप देख सकते हो, एक वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो इन्होंने एक बात और बोली है कि सर, सीए एस्पिरेंट्स इन नेपाल गवर्नमेंट रिलीफ, बट सी ए स्टूडेंट इन इंडिया स्टिल स्ट्रगलिंग। देयर आर मैनी हु वॉन्टेड टू ऑप्ट आउट बट कुड नॉट डू। मतलब ना तो ऑप्ट आउट का ऑप्शन कोई दिया गया है और ना ही कुछ और यहाँ पे जो रिलीफ है इनको नहीं दी गई है। और सिचुएशन इज नॉट कंडक्टिव इवन इन इंडिया, प्लीज चेक द डाटा। ये इन्होंने एक बड़ा ट्वीट यहाँ पे किया है। तो अभी भी ये मतलब चल रहा है कि भी एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन कर देना चाहिए। एक वीडियो इन्होंने जारी की है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कितनी भीड़ यहाँ पे है। ये आप देख सकते हो, मतलब यहाँ पे ये लग ही नहीं रहा कि यहाँ पे कोरोना है। किसी भी तरीके से ये नहीं लग रहा कि कोरोना यहाँ पे है। कोई भी यहाँ पे आप देख सकते हो कितना, कोई भी डिस्टेंस यहाँ पे नहीं है।